गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग पैसेज करेंगे द विकिंग्स वे फेयरिंग वे। और इस पैसेज के अंदर हमारे पास 1 to 5 तो हैं हमारे पास नो मोर फिलिंग द ब्लैंक्स, जहां पर हमें नो मोर देन 2 वर्ड्स फिल करने हैं या फिर एक नंबर फिल करना है। और 6 to 13 हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट मैच करनी है नीचे ऑप्शंस गिवन उनके साथ। उसके बाद 14 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। तो हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं क्या गिवन है। पहला है द वर्ल्ड विकिंग इज़, वर्ल्ड विकिंग क्या है मींस ओरिजिन, क्या ओरिजिन बताना है कब हुआ था। उसके बाद सेकंड, विकिंग केम फ्रॉम स्कैंडिनेविया इन ब्रिटेन एडी, ईयर बताना है। नेक्स्ट लेंथ पॉसिबली रेडिड एज फार एज की वर्ड है, वहाँ मिल जाएगा हमें कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड। विकिंग हैड एसिमुलेटेड मतलब वो कहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इन टू ब्लैंक एंड अडोप्टेड ए न्यू, क्या अडोप्ट किया था उन्होंने। तो स्टार्टिंग से रीड करते हैं पहला क्या है। देखो स्टार्टिंग से रीड करते हैं क्या गिवन है हमारे पास। इन द लास्ट सेंचुरी विकिंग हैव बीन प्रिसीव्ड इन न्यूमेरियस डायरेक्ट वे, विलीफाइड एज कॉन्क्वर एंड रोमांटाइज्ड एज एडवेंचर। हाउ विकिंग्स हैव बीन एम्प्लॉयड इन नेशनल बिल्डिंग इज अ टॉपिक ऑफ सम इंटरेस्ट। इन इंग्लिश विकिंग आर आल्सो नोन एज नॉर्स और नॉर्समैन। देयर लैंग्वेज ग्रैंडली इंस्यूम्ड इंग्लिश विद नाउन्स हेल, हस्बैंड, लो एंड विडो एंड द वर्ड ब्लंडर, स्नब, टेक एंड वांट, ऑल कमिंग फ्रॉम ओल्ड नॉर्स। ये सारे वर्ड ओल्ड नॉर्स से आए। हाउएवर, जब भी हाउएवर आ जाए इट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कॉन्ट्राडक्ट करेगी और मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर उसके बाद होता है। द ओरिजन, ओरिजन ही बताना था, ऑफ द वर्ड विकिंग इट सेल्फ आर ऑब्सक्योर। तो ओरिजन ऑफ द वर्ड विकिंग, विकिंग क्या है अपने आप में ऑब्सक्योर, इसका आंसर क्या बन जाएगा। पहले का हमारा आंसर बन जाएगा ऑब्सक्योर। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये क्या है, पहले का आंसर। ओके, इससे आगे चल पढ़ते हैं। ठीक है, ईयर बताना था, एडी लिखा सेकंड ऑप्शन में। तो अब थर्ड पैसेज में देखो, थर्ड सेकंड लाइन में क्या गिवन है। विकिंग सेल्ड टू इंग्लैंड इन एडी 793, कोई नंबर है तो हमारे पास सीधा सेकंड का ऑप्शन तो हमारा क्या बन जाएगा 793। ठीक है, ये सेकंड का ऑप्शन बन जाएगा। अब थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या था, थर्ड में था एज फॉर एज सर्च करना है हमें कहाँ है एज फॉर एज। देखो इसी से नेक्स्ट पैसेज के लास्ट लाइन में क्या लिख रखा है, रिकॉर्ड हैज़ येट वेरीफाई द विकिंग्स रेड एज फार अवे एज नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एज सम राइटर्स क्लेम। तो एज फॉर एज आ गया की वर्ल्ड, तो हमारा थर्ड आंसर क्या बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ये हमारा। थर्ड का आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। एंड अभी हमें फोर्थ भी सर्च करना है। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ है हमारे पास विकिंग हैड एसिमिलेटेड इनटू, कहां पर वो इकट्ठा हुए थे एंड अडॉप्टेड इन न्यू, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हमें नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं जो हमने रीड किया था उसी से आगे। नॉर्थ अफ्रीका के बाद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज मैनी विकिंग डिड नॉट रिटर्न टू स्कैंडिनेविया आफ्टर रेडिंग बट एसिमिलेटेड इनटू लोकल पॉपुलेशंस। वो कहाँ पर एसिमुलेट हुए थे, लोकल पॉपुलेशन में ही इकट्ठे हुए थे लोकल लोगों के साथ।
तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, लोकल पॉपुलेशन ऑफन बिकमिंग क्रिश्चन, क्रिश्चन बनने के लिए टू सम डिग्री द विकिंग एज डिफाइंड बाय रिलीजन। तो विकिंग एज को किससे डिफाइंड किया गया है, रिलीजन से। ठीक है, पहले तो हम इसको टिक कर लेते हैं, किसको, फोर्थ को। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, लोकल पॉपुलेशन, ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ क्या था हमारे पास, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, इसे नेक्स्ट लाइन में देखो। विकिंग वर पोलिथिस्टिक बिलीविंग इन मैनी गॉड, वो पोलिथिस्ट थे, मीन्स काफ़ी चीज़ों भगवान में बिलोंग करते थे, बट बाय द एंड ऑफ एज दे हैड परमानेंटली एक्सेप्टेड ए न्यू मोनोस्थेटिक रिलीजियस सिस्टम क्रिश्चियनिटी। उन्होंने लास्ट में एक मोनोस्थेटिक रिलीजियस को अडॉप्ट कर लिया था जिसे क्रिश्चियनिटी था। तो फिफ्थ का आंसर क्या बन जाएगा, फिफ्थ का आंसर बन जाएगा रिलीजियस। ठीक है, फिफ्थ में हमारे पास क्या आ जाएगा, को न्यू रिलीजियस सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, तो ये हमारा फिफ्थ का आंसर बन जाएगा। ओके, अब हम 6 to 13 रीड करते हैं। 6 to 13 हमारे पास क्या गिवन है, सिक्स्थ है ए जियोग्राफर डॉक्यूमेंट विकिंग कल्चर एज इट हैपन्स। कोई जियोग्राफर डॉक्यूमेंट्स था, विकिंग था, जो कल्चर जो विकिंग कल्चर में हैपन हुई थी, कुछ चीज़ जो जियोग्राफर ने डिस्कवर की थी। ठीक है, ए नेक्स्ट है ए फिलोसोफर क्लासीफाई कल्चर हायरार्किकली, कोई फिलोसोफर था जिसने कल्चर को क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट है हिस्टोरियन असर्ट दैट विकिंग हिस्ट्री इज बेस्ड मोर ऑन लीजेंड देन फैक्ट्स। विकिंग हिस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है, लीजेंड के ऊपर, फैक्ट्स की कंपेरिजन में। नेक्स्ट है यंग पीपल लर्न अबाउट विकिंग कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यंग पीपल मीन छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, ये वो लर्न करते हैं विकिंग कल्चर से और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। टेंथ पीपल सी देमसेल्व्स एज अनरिलेटेड टू विकिंग, पीपल लोगों ने क्या देखा कि वो विकिंग से रिलेट नहीं करते, अनरिलेट है। ठीक है, नेक्स्ट है एन हिस्टोरियन क्लेम विकिंग कॉलोनिस्ट टू बी मॉडर्न डे कनाडा केम फ्रॉम हिज लैंड। हिस्टोरियन ने क्लेम किया कि जो विकिंग कॉलोनी है जो आजकल कनाडा में है वो कहाँ से, उनकी लैंड से आई है। नेक्स्ट है विकिंग कॉन्क्वेस्ट आर एक्सग्रेटेड टू बोलस्टार द कंट्री ईगो आफ्टर ए टेरिस्ट्रियल लॉस। टेरिस्ट्रियल लॉस के भूमि के छिनने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपनी वो उनको घमंड रखा अपनी उस चीज़ का। ठीक है, उनको घमंड था अपनी विकिंग अपनी कंट्री की ईगो का। ठीक है, लॉस होने के बाद भी। 13th क्या है, डीएनए टेस्ट शो लोकल आर क्लोजली रिलेटेड टू स्वीडिश। डीएनए टेस्ट शोज लोकल से उनका रिलेशनशिप था स्वीडिश से। और इनके लिस्ट ऑफ टाइम्स और प्लेसेस क्या हैं, मतलब ये कब कब हुई थी ये घटनाएं, ऊपर इन द यूके टुडे, इन 19th century नॉर्वे, स्वीडन एंड इंग्लैंड, इन डेनमार्क टुडे, इन 9th century पर्सिया, इन मिड 20th century सोवियत यूनियन, इन रशिया टुडे। हमें मीन्स ये नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड ये देखना और मेन 19th century सर्च करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लास्ट के पैसेज में हमें डीएनए सर्च हो रहा है, हमारा दिख रहा है ना डीएनए क्या है। दीज डेज, सेकंड पैसेज, लास्ट सेकंड पैसेज है, दीज डेज मैनी रशियन कंसीडर देमसेल्फ हाइब्रिड। इंडीड रिसेंट जेनेटिक स्टडीज सपोर्ट नॉर्थ कोलोनाइजेशन थ्योरी, वेस्टर्न रशियन डीएनए इज कंसिस्टेंट विद द इनहेबिटेंट ऑफ रिलीजन ऑफ नॉर्थ स्कोटहोल्म इन स्वीडन। तो ये डीएनए वाला जो है हमारा, ये 13 का आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डीएनए टेस्ट शो क्लोजली रिलेटेड टू स्वीडिश, स्वीडिश से था, और इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, एच। वो कहाँ पे है अब, रशिया में। ठीक है, वो कहाँ पे है, क्योंकि वेस्टर्न रशियन है ना, तो वो रशिया में ही हुआ,
तो इससे हमारा आंसर क्या बन जाएगा 13 का एच। ओके 13 का मेरा एच। और देखो 8 क्वेश्चन है और 8 ही आंसर है, यानी कि हमें 7 सर्च करने हैं और एक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद हम स्टार्टिंग में चलते हैं। अच्छा देखिए, इसी से थोड़ा सा उस ऊपर चलते हैं, हम सर्च करते हैं। इसमें मुझे जियोग्राफर दिख रहा है, कहाँ पर? लास्ट में, लास्ट फोर्थ पैसेज में क्या है? विकिंग डिड हैव रिटन लैंग्वेज कार्ड ऑन लार्ज स्टोन्स। विकिंग ने क्या किया, एक रिटन लैंग्वेज लिखी किस पे? स्टोन्स पे, कार्ड्स में। बट एज फ्यू दीज सर्वाइव टूडे, बट उनमें से आजकल कुछ ही मिलते हैं। मोस्ट रिलायबल कॉन्टेम्पेरी सोर्स ऑफ विकिंग कम फ्रॉम राइटर्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। अदर जो हम मोस्ट रिलायबल सोर्सेज हैं वो हमें अदर कल्चर से मिले, लाइक 19th सेंचुरी पर्शियन जियोग्राफर, जियोग्राफर वाला 19th सेंचुरी पर्शियन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा किसका आंसर है, 6 था ना ए जियोग्राफर, और उसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, उसका ऑप्शन बन जाएगा एफ इन 19th सेंचुरी पर्सिया। ठीक है, तो हमारा 6 का आंसर क्या बन जाएगा, एफ। ओके अब और रीड करते हैं। देखो वो था ना यंग एज वाला, वो ढूंढते हैं पहले, क्योंकि यंग एज के पीपल इसमें देखो क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद रीड कर रही हूँ मैं, दिस ट्रांसमिशन फ्रॉम सो कॉल्ड पैगन प्लंडर्स टू सिविलाइज क्रिश्चियन इज सिग्निफिकेंट एंड व्यू promulgated throughout much of recent history in the UK 1970 for example school children, young था ना, school children आ गए यहाँ पे, तो वो young ही होते हैं, young people है, school children same thing है, were taught that until the Viking accepted Christianity they were nasty heathens who ramped throughout Britain. By contrast ने चीज़ बदल दी, और school children किस में है, UK में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा, और लास्ट में बाय कॉन्ट्रास्ट में क्या दे रखा है, चिल्ड्रन कैन विजिट म्यूजियम वेयर विकिंग आर सेलिब्रेटेड एज मर्चेंट पेस्टोरलिस्ट एंड आर्टिस्ट विद ए यूनिक वर्ल्ड वाइड एज वेल एज कंक्वर। तो यहाँ पर वो काफ़ी चीज़ें सीख सकते थे, तो ये यूके में है, और वो हमारे पास ऑप्शन क्या था, ऑप्शन देखते हैं हम, यंग पीपल लर्न, 9th क्वेश्चन, लर्न अबाउट विकिंग कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और वे कहाँ पर है, यूके में, तो बच्चे वहीं पर थे ना, तो 9th का आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 9th का आंसर बन जाएगा ए। ओके अब और रीड करते हैं। और ऊपर चलते हैं, देखो थोड़ा अंडरलाइन भी कर देते हैं, बाय कॉन्ट्रास्ट यहाँ है इसका आंसर। ओके अब नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट आर सम इंटरप्रिटेशन ऑफ विकिंग्स इन द 19th सेंचुरी। हिस्टोरियंस इन डेनमार्क नॉर्वे एंड स्वीडन, तीन ऑप्शन दे रखे ना, नॉर्वे स्वीडन बोलो, वो यहाँ से आएंगे, कंस्ट्रक्टेड देयर ओन विकिंग एज फ्रॉम नेशनलिस्टिक रीजंस, उनके अलग अलग रीजन थे अलग अलग एज के, एट द टाइम
ऑल द थ्री कंट्रीज वर इन क्राइसिस, तीनों की तीनों कंट्री क्राइसिस में थी, ठीक है। और डेनमार्क हैड बीन बीटन इन वार एंड सीडेड टेरिटरी टू वट इज नाउ जर्मनी। नॉर्वे हैड बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्वीडन इन 1905 बट वॉज इकोनॉमिकली वल्नरेबल, मीन्स वो आज़ाद भी हो गया था और उसके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे। सो नॉर्वे सोट टू क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर देमसेल्फ इन द पास्ट एज वेल एज इन द प्रेजेंट, इसलिए उसने अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, ठीक है। द नॉर्वे हिस्टोरियन वॉज एडामेंट इट वॉज हिज फोरबियर्स एंड नॉट स्वीडन्स और डेन्स हु हैड कॉलोनाइज्ड आइलैंड ग्रीनलैंड एंड वायलैंड नाउ इन कैनेडा। तो वो कॉलोनाइज्ड वाला जो आंसर था ना, वो कहाँ पे, कैनेडा में है, ठीक है। तो उसका आंसर हमारा बन जाएगा जो देखो तो 11वां है ना, इस तो कॉलोनी तो मॉडर्न डे इन कैनेडा केम फ्रॉम लैंड, ये कहाँ पे है, ये तो हमारा किस में है, 19th century नॉर्वे, ऊपर नॉर्वे में ही तो दे रखा था ना ये। तो हमारा जो 11th का आंसर है वो क्या बन जाएगा, 11th का बन जाएगा बी, ओके। और उसी से आगे नीचे दे रखा है हमारे पास, उसी में रीड करते हैं। वो नॉर्वे का था स्वीडन। मीनवाइल द हैज रिलिंक्विस्ड नॉर्वे टू नॉर्वेंस एंड फिनलैंड टू रशियन, दस इन द लेट 19th century स्वीडन वाज कीन टू बोस्ट इमेज विद रिच आर्कियोलॉजिकल फाइंड टू शो द ग्लोरी ऑफ द विकिंग पास्ट। तो इमेज को बूस्ट करने की बात की है इसने, तो ऐसा भी हमारे पास एक ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था वो, क्वेश्चन नंबर 12th, विकिंग कॉन्क्वेस्ट आर एक्सग्रेटेड टू बूस्ट द कंट्री ईगो आफ्टर ए टेरिस्टल लॉस, युद्ध में हारने के बाद भी अपनी इमेज को, कंट्री की ईगो को बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी, ठीक है। क्या आएगा, स्वीडन, किसका आएगा ये हमारा, 12th का, ठीक है। 12th का क्या बन जाएगा, सी, ओके। हमारे 5 सोल हो चुके हैं, 11th, 12th एंड 13th, 9th एंड 6th, 3 रहते हैं, ठीक है। अब और ऊपर चलते हैं, देखते हैं और कौन सा मिलता है। देखते 8th क्वेश्चन क्या है, 7th क्या है, फिलोसोफर, ये तो मिल, हिस्टोरियन। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, हिस्टोरियन असर्ट विकिंग हिस्ट्री बेस्ड मोर ऑन लीजेंड देन फैक्ट्स, ये हमने रीड किया था, लीजेंड पे इसी पैसेज के ऊपर था जो हमने अभी रीड किया, कि डेनमार्क नॉर्वे एंड स्वीडन तीनों के तीनों कंट्री कंस्ट्रक्टेड देयर ओन विकिंग एज फ्रॉम नेशनलिस्टिक रीजन, मीन्स वो अपने रीजन की वजह से उन्होंने अलग अलग चीज़ें कंस्ट्रक्ट की थी नी, विकिंग एज फ्रॉम नेशनलिस्टिक रीजन्स एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस में थे, उन्होंने अपने अपने अलग से लोगों को तैयार किया था, ठीक, तो अलग अलग रीज़न की वजह से। तो जो हमारा वो 8th वाला आंसर है वो किसका बन जाएगा, हमारा जो ई ऑप्शन है ना वो बन जाएगा ई, क्योंकि ऊपर हमारे पास स्वीडन आ चुका, ठीक है, नॉर्वे आ चुका, अब क्या हमारा रह गया, डेनमार्क वाला, ठीक है। तो 8th का हमारा क्या बन जाएगा, ई, अब रह गया हमारा 7th रह गया और रह गया 10th,
एवेंट, देखते हैं कहाँ मिलेगा। देखो लास्ट थर्ड पैसेज में क्या दे रखा है। हाउएवर ड्यूरिंग सोवियत पीरियड देयर वॉज एन एम्फेसिस ऑन स्लेविक ओरिजन ऑफ मोस्ट रशियन अपीयरिंग ऑफ हिस्टोरिक रिकॉर्ड अराउंड 16th century AD स्लेव आर थॉट टू बी ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न यूरोप। स्लेव्स जो थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? ईस्टर्न यूरोप से। द स्लेविक आइडेंटिटी वॉज प्रोमोटेड टू कॉन्ट्रास्ट विद द नेबरिंग विकिंग स्वीड्स हु वर एनिमीज ड्यूरिंग द कोल्ड वर्ल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार के दौरान वो क्या थे? उनके एनिमीज थे, उनको प्रोमोट किया गया उनके नेबरिंग के लिए, उनकी आइडेंटिटी को प्रोमोट किया गया। और लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट किसके कॉन्ट्रास्ट में? जो उनके नेबर थे स्वीडिश के और जो उनके एनिमीज थे, तो उनकी आइडेंटिटी जो थी वो तो अलग ही थी। ठीक है, तो हमारे पास जो 10th है उसका आंसर क्या बन जाएगा? 10th में देखिए हमारा ए तो लगता नहीं है, वहाँ पे सोवियत गिवन है, तो इन द मिड भी गिवन नहीं है, बट जी ऑप्शन में सोवियत यूनियन है तो सोवियत ही बनता है। मिड 20th century गलत दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन ये सोवियत यूनियन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? जी बन जाएगा। ठीक है, किसका जी बनेगा हमारे पास 10th क्वेश्चन का? टेंथ क्वेश्चन का जी बन जाएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है और एक ही क्वेश्चन बचा है, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? डी, वो हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है हमारा, विच माइट बी ए स्टेबल हेडिंग। क्या क्वेश्चन है? हेडिंग बताना हो इस पैसेज का, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ विकिंग्स, नो, रिसेंट विकिंग डिस्कवरी, कोई डिस्कवरी नहीं है उसकी, ए मॉडर्न फैसिनेशन अबाउट विकिंग, मॉडर्न फैसिनेशन भी नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ विकिंग हिस्ट्री एंड नेशनलिज्म। विकिंग हिस्ट्री तो है ही ये सारा पैसेज, लेकिन नेशनलिज्म से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि हमारा 1st, 2nd, 3rd, और 5th ऑप्शन कट जाएगा। हमारा क्या आएगा? हमें विकिंग हिस्ट्री के बारे में इंटरप्रिटेशन दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ओके, ये हमारा पैसेज था, कौन सा? जो हमने आसोल किया, जिसका नाम है विकिंग वे फेयरिंग वे। एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना, फिर इसके क्वेश्चन आराम से ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, हमने 14 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो इट मीन्स ये किसी न किसी रीडिंग का क्या है? लास्ट पैसेज है सी वाला, क्योंकि सी वाले पैसेज में सबसे बड़ा आता है और थोड़ा सा टफ होता है, वो ये पैसेज है। आप इसको अच्छे से कर लेना, अगर कोई फिर प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।